तो ओलंपिक में आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है, एक मेडल पक्का हो गया है। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलो वर्ग में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में एंट्री पक्की कर ली है। एक मेडल पक्का हो गया है। असम की रहने वाली लवलीना चीनी ताइपे की मुक्केबाज शिन चेन को हराया है। मैरीकॉम के बाहर जाने के बाद भारत की चुनौती पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन लवलीना ने मेडल पक्का कर निराशा को आशा में बदल दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने लवलीना को ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने शाबाशी दी और लिखा, तुम हमें फिर से गर्व का एहसास करा रही हो और टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा ऊंचा रखा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और लोकसभा के स्पीकर ने भी बधाई दी है। लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी। अब लवलीना का सेमीफाइनल में मुकाबला होना है टर्की की खिलाड़ी से, जो कि वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर है, सुरमेनली से। यह मुकाबला 4 अगस्त को होगा। तो एक मेडल पक्का, लेकिन उम्मीदें अब और बढ़ जाती हैं ब्रोंज के बाद। जाहिर सी बात है, प्रदर्शन और अच्छा रहेगा। राहुल रावत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए कल एक निराशा भरी खबर आई थी बॉक्सिंग रिंग से, जब मैरीकॉम का सफर खत्म हुआ था, लेकिन आज लवलीना ने फिर से वो उम्मीद जताई है। और जब आप ब्रोंज जीत लेते हैं तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राहुल, तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं बॉक्सर लवलीना। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन अब अगला मुकाबला 4 अगस्त को होना है और वो मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि वहां पर ब्रोंज के बाद अब सिल्वर पर नजर और फिर उसके बाद इंडिया तो गोल्ड मांग ही रहा है। अगला मुकाबला बेहद अहम रहेगा, क्योंकि टर्की की सुरमेनली से मुकाबला होना है, जो कि वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर है। आज मेरा क्वार्टर फाइनल ग्रोथ था, मैं ताइपाई को हराया, बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके जाने की कोशिश। बेहद खुश और कॉन्फिडेंस से भरपूर खुश हैं, कोशिश सेमीफाइनल में आगे पहुंचकर गोल्ड लाने की, बिल्कुल यही उम्मीदें भी रहती हैं और यही कोशिश भी रहती है। लेकिन देखिए, बहुत अहम अभी तक का ये सफर भारत के लिए। सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खबर आई है और बधाइयों का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि खुद लवलीना का सपना गोल्ड पर है, चाह रही है कि गोल्ड आए। इससे पहले आपको बता दें कि 2 ब्रोंज मेडल वो ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उनके नाम एक ब्रोंज है, एशियन चैंपियनशिप में भी उनके नाम एक ब्रोंज है। और इस बीच तीरंदाजी से भी बड़ी खबर, भारत की दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, ये भी एक अच्छी खबर है। तीरंदाजी में भी दमदार प्रदर्शन दीपिका का, वहां से अच्छी खबर आ रही है। रूस ओलंपिक कमेटी की परुवा को 6-5 से उन्होंने हराया है। अब कोरिया की एन सेंग के साथ उनका मुकाबला है। तो बॉक्सिंग में भारत का फिलहाल पदक पक्का, लेकिन अब खुद लवलीना जिस तरीके से हम सुन भी रहे थे, कह रही थी कि अब नजर सिल्वर और फिर गोल्ड पर रहेगी। बहरहाल बता दें कि सुबह 11:30 दीपिका का मुकाबला है। भारत की दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में है और तीरंदाजी में उम्मीदें वहां से भी जग रही हैं। 25 मीटर पिस्टल में शूटर्स का हालांकि खराब प्रदर्शन रहा है, कुछ अच्छी कुछ बुरी दोनों खबरें ओलंपिक से आ रही हैं। भारत की मनु भाकर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की मुक्केबाज मैरीकॉम को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा था और इसी के बाद यह खबर आ रही थी कि मायूसी थी। सीधा चलेंगे राहुल रावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, खुश हैं, हिंदुस्तान बधाइयां दे रहा है, लेकिन बाकी फिर से हम वही कहेंगे कि इंडिया मांगे गोल्ड, और खुद वो चाह रहे हैं कि अगली नजर सीधा गोल्ड पर है उनकी। बिल्कुल, और सेमीफाइनल एक रास्ता है, एक उन्होंने एक जर्नी है वो जो तय कर रही है वहां तक की। और अगर एश्योरेंस की बात करें, अब मुझे लगता है कि देखिए, काबिलियत एक बॉक्सर की होती है, पर यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा कि
अगर आपके पास एक ब्रॉन्ज मेडल अश्योर्ड होता है, आप ऑल आउट खेल सकती हैं। आप सोचती हैं कि यार एक मेडल तो है ना मेरे पास, मैं गोल्ड के लिए ही क्यों ना जाऊं। और जिस हिसाब से मैं अभी बात कर रहा था उनकी कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी पता नहीं उनको बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, गलत होगा ये बोलना, बट नॉर्थ ईस्ट के लोग जो लोग हैं यहाँ पे वो बड़े खुश हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के जिस हिसाब से मीराबाई चानू एसमीज हैं, लवलीना खुद एक जिस परिवार से आती हैं, तीन बहनें किक बॉक्सिंग कर शुरुआत करती थी, बट यहाँ पर देखिए 7 दिन 6 दिन लग गए आपको दूसरा मेडल लाने में। और अभी भी ये है कि जैसे आपने कहा कि गोल्ड मेडल, गोल्ड से ही माना जाएगा कि आपका जो पूरा काम हुआ है लवलीना का। उम्मीदें इनसे शुरू से थी कि लवलीना आपके लिए एक मेडल लेकर आएंगी। अब देखिए, पर लवलीना को चांस कितनों ने दिया होगा, क्योंकि उस तरफ बड़े बड़े आपके पास। बिल्कुल, और इस बीच ये भी बता दें कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की मुक्केबाज मैरीकॉम को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा है और उनका सफर फिलहाल थम गया है। लेकिन मैरीकॉम ने अभी मुक्केबाजी का रिंग छोड़ने से फिलहाल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई इरादा नहीं है। मैरीकॉम ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की कि कितनी देर पहले पता लगा है कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मेरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को, और ये मेरे को समझा रहा है मेरे को आप जीता है, आप जीता है मींस क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा, और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे व्हाट यू नो, इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरा फाइट में इतना ऐसे यू नो डिसीजन ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या बोलूं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूं। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और यदि बता दिया, और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है, बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है, मैं क्या बोलूं। मेरी आपकी इमोशंस आप बोलेंगी, आपके दिख रहे हैं, आपकी आंखों में वो दिख रहा है, बट ये ओलंपिक्स आपने इतने सालों से हर जगह कम्पीट किया, ओलंपिक्स हो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, सबसे खराब ओलंपिक्स मेरे कहने मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है, और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं, इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही मैनेज करके हम लोग वो करना